तो ये है हमारा प्राइवेट प्लेन, ये प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और काफ़ी कूल सा लग रहा है। देखो छोटा सा है, मतलब अगर टैक्सी चाहिए ना किसी को तो कुछ ऐसा सा हो सकता है। छोटू सा एयरक्राफ्ट, इतना छोटा कि इसके विंग्स को हम हाथ लगा सकते हैं और काफ़ी कूल लग रहा है। ये अभी अभी पार्किंग से आया है, ये वाली जो गाड़ी है ना ये इसको पार्किंग में ले जाने के लिए। वाओ, ये फीलिंग अलग ही है। प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, वो भी प्राइवेट, वो भी हमारे लिए। तो जी ये आ गई है हमारी स्टेयर्स, चलो चलते हैं प्लेन के अंदर। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये वाला प्लेन काफ़ी कॉम्पैक्ट है। चलो अंदर से देखते हैं कैसा है। ये देखिए कॉकपिट पीछे से क्लोज की हुई है क्योंकि वो हम अभी दिखा नहीं सकते, बीच में दिखाएंगे एक सीन उसका। बट जो हमारा इस वक्त ये प्लेन है कुछ ऐसा सा है, कॉम्पैक्ट प्लेन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटर ये प्लेन है और इसकी विंडोज़ एक थोड़ी सी ना बढ़िया सी है जो आपको बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं मिलती। हो सकता है कि कोई सुपर लग्जरी एयरक्राफ्ट हो उसके अंदर ऐसे मिलता हो। ये जो है ना इसमें कर्टन्स नहीं है, इसके अंदर ये राउंड वाला है। देखो अगर इसको ऐसे कर लोगे आप तो ये डार्क हो जाएगी विंडो, अगर इसको ट्विस्ट करोगे ऊपर की तरफ तो ब्राइट हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे कैमरा के आगे ND फिल्टर्स लगते हैं। जैसे जुमानजी वगैरह मूवी देखी होगी उसके अंदर जो प्लेन्स वगैरह यूज़ होते हैं ना उन हॉलीवुड मूवीज़ में, चार पांच लोगों को ले जाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। तो बाहर देखो सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो खड़े हुए, काफ़ी कूल सा स्टफ है ये। अभी इंजन स्टार्ट होंगे तो इतना ज़्यादा शोर हो जाएगा कि हम बात भी नहीं कर सकते। ये जो कॉकपिट इतनी प्यारी दिख रही है ना, ये होती बहुत डिफिकल्ट है सीखने में। पायलट कोर्स करते हैं एविएशन का, उसके बाद में लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस उनके पास होता है, फिर जितनी उनकी लाइफ होती रहती है उतना एक्सपीरियंस आता रहता है, यूज टू होते रहते हैं। तो बाकी बेसिक नॉलेज तो हमने आपको दे दी, एक और नॉलेज दूँ कि एक एयरक्राफ्ट माइलेज कितनी दे देता होगा। तो इसकी जो माइलेज होती है ना वो पाउंड यानी कि 1.75 लीटर ऑफ जो फ्यूल होता है जेट फ्यूल उसका ये रेशियो होता है। तो एक घंटे में मिनी मतलब ऐसा मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 पाउंड ऑफ फ्यूल ये बर्न कर देता है। ये जो दो जेट इंजन से ये जला देते हैं 1000 पाउंड ऑफ जेट फ्यूल। लेकिन उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है कैसा, कि अगर प्लेन ऐसे उड़ रहा है और विंड अगर पीछे से है हमारे तो फ्लो में थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी जिन लोगों को माइलेज का भी शौक है। अगर प्लेन ऐसे उड़ रहा है और एयर का डिफेंस आगे से पड़ रही है एयर, तो ड्रैग ज़्यादा क्रिएट होगा, क्या पता 1500 पाउंड भी खर्च कर ले। तो कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। अभी और भी हैं, ये जो छोटा सा एयरक्राफ्ट है ना ये दो जेट इंजन पे चलता है, ट्विन जेट इंजन है इसके अंदर, प्रोपेलर वाली जेट इंजन है। जेट इंजन तो जेट है बट प्रोपेलर का यूज़ किया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, एक इंजन है इसके यहाँ पे और दूसरा इंजन है लेफ्ट में इधर। और तीसरी एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर इतनी शक्ति होती है जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो ये जो इंजन ऑलमोस्ट जनरेट कर रहे हैं दोनों के दोनों मिला के, तो 1200 हॉर्स पावर ये जनरेट कर रहे हैं जो कि शाफ्ट पे इनको मिल रही है। मतलब जो इंजन जनरेट कर रहा है हॉर्स पावर, जो शाफ्ट जो घूम रही है जिससे कि प्रोपेलर चल रहा है, वो 920 हॉर्स पावर है। बड़ी से बड़ी सुपर कार ये वो ये सब 1000 हॉर्स पावर के आसपास का होता है, बट इनको तो उड़ना है, इनको रोड पर नहीं चलना। तो ये एक बहुत क्लास चीज़ है कि तुम्हें इतनी पावर का फील होने वाला है कि सीरियसली मज़ा ही आ जाएगा ऐसे ही। तो ये जो छोटे वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इनमें लगेज एरिया तो नीचे की तरफ नहीं होता, जिसको फ्यूजलाज बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्यूजलाज होता नहीं है। एक्चुअली बताऊँ तो मैं, फ्यूजलाज यही है जहाँ पे हम बैठे हैं। और एक बारी अगर वो चीज़ दिखा दो प्लेन के अंदर का मैप, तो कुछ ऐसा सा ये प्लेन है। अगर आप इसको पॉज करके देख लें तो कुछ ऐसा सा ये प्लेन होता है। तो फ्यूजलाज एरिया के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। और जहाँ पे हमने अपना सामान रखा है वो चीज़ दिखाता हूँ मैं कैसी है। वो कुछ ऐसे से आपको, क्योंकि कॉम्पैक्ट प्लेन है ना तो वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारी डिग्गी है प्लेन की, और इसके पीछे क्या होता है, टेल। हाँ, टेल सेक्शन जनरेटर वगैरह होता होगा इसके पीछे ना। ओके, इंजन में होता। अच्छा, इंजन में ही है। तो जो बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, उनकी टेल में एक और एक छोटा सा इंजन लगा होता है, वो जनरेटर का काम करता है। जब बड़े इंजन स्टार्ट नहीं करने वो स्टार्ट रहता है, पूरे प्लेन को बिजली प्रोवाइड कराता है जब चाहिए होती है। बाकी बैटरीज कमी होती हैं क्योंकि बैटरीज के अंदर वेट ज़्यादा होता है। इनमें क्या सीन है कि इनके इंजन जब स्टार्ट होते हैं बैटरीज के साथ में, तब प्लेन को पावर मिलती है। और प्लेन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं कि पावर प्लेन को चाहिए। अभी ना हम मेन रनवे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ग्लासेस के अंदर से देखें तो हम आ गए हैं अभी अपनी टैक्सी बे। इसको टैक्सी बे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो रनवे के है ना, तो ये टैक्सी बे होती है जहाँ पे कि हमारा अभी प्लेन एयरक्राफ्ट जो है ये जाएगा रनवे पे जाके लग जाएगा। तो उसके सामने जब रनवे होगा ना, तब ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल
ATC से पायलट बात करता है कि भाई मैं आ गया हूँ अपनी पोजीशन पे और हमें क्लियरेंस है नहीं है फ्लाइट की, कोई प्लेन ऊपर तो नहीं है, कोई प्लेन लैंड तो नहीं होने वाला, कोई प्लेन ऐसा तो नहीं है जो मेरा आगे आ जाएगा जब मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। जैसे ही ATC ये सारा कैलकुलेशन करके पायलट को बोलती है यस यू आर रेडी टू गो, यस जाओ बस बाय बाय टाटा हो गया तुम्हारा, तो पायलट क्या करता है थ्रॉटल बढ़ा देता है। जैसे ही पायलट थ्रॉटल बढ़ाता है रनवे पे प्लेन ऐसे जाता है, भागता है बहुत तेज। तो होता क्या है कि जब जैसे ये अभी प्लेन स्टार्ट होगा ना तो बीच में एक पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट होता है वो, जहाँ से कि जो विंग होता है ना ये खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये खुलने शुरू होंगे ना ऊपर की तरफ होते हैं, तो जैसे विंग खुलने शुरू हो जाएंगे वैसे ही वहाँ पे हम 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड को टच कर लेंगे, वहाँ से हमें टेक ऑफ मिल जाएगा। क्योंकि एयर जब कटेगी विंग से तो वो टेक ऑफ ले लेती है प्लेन उड़ने का, यही एक छोटा सा मेथड होता है, टेक ऑफ होने वाला है। और ये जो चीज़ है ना, इंजन का थ्रस्ट बढ़ चुका है पूरा 100% और ये हुए हम टेक ऑफ। और ये जो जी फोर्स का इसके अंदर ना फील आएगा पूरा, मैं बता रहा था ना कि हम 300 किलोमीटर की स्पीड को छू लेंगे रनवे पे और वहाँ से फिर हम फ्लाई करेंगे। अमेजिंग सी बात तो ये है कि मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि प्लेन हाइट ले रहा है, हाइट ले रहा है, हाइट ले रहा है, ले जा रहा है, हाइट ले ही जा रहा है, और अलग अलग तरीके के साउंड आ रहे हैं इसकी। जब लैंडिंग गियर ऊपर हुए तो भी एक अलग तरीके का साउंड था। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना यहाँ से होती है एंट्रेंस, तो ये बहुत ही ऐसे पॉइंट्स है जो कि ज़्यादातर लोग नहीं दिखा पाते, आओ मैं दिखाऊँ। तो ये कुछ इसका एंट्रेंस का एरिया है, दो डोर होते हैं इसके अंदर, ये छोटा वाला डोर है जिसके अंदर से मैं आया था आप लोगों ने देखा, और ये बड़े वाला डोर है। तो ये जैसे मैं कह रहा था कि ये मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में, शादियों में, हर जगह। तो ये बड़ा वाला डोर भी खुल जाता है, और मेडिकल फील्ड में एक चीज़ बताऊँ मैं, ये जो सीट्स है ना ये हट जाती है, यहाँ पे स्ट्रेचर आ जाता है, तो आपका जो पेशेंट है वो यहाँ पे बैठेगा। कूल फैक्टर्स हैं, थोड़ी सी पास आके यहाँ से दिखाओ। तो ये कुछ इस टाइप का इसका मैकेनिज्म होता है, अभी हाथ लगाना इसको ठीक नहीं है, अभी हम सिर्फ दूर दूर से दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ प्रेस करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ये अनलॉक हो जाता है, डोर जो है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। फिर ये ना इसके जो लैचेस हैं वो दो हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है, जैसे मतलब आम होती है ना वो चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस इसको खोलना है जो डोर है ये ओपन हो जाएगा। छोटे चीज़ के लिए छोटे वाले डोर है, और अगर स्ट्रेचर वगैरह लेके आना है, कुछ बड़ा सामान है, लगेज है तुम्हारे पास में, ये प्लेन कुछ पहुँचा रहा है दवाई वगैरह या फिर कुछ और सर्विस दे रहा है, तो बड़े वाला डोर खुल जाता है, बस पीछे तो यही है। चलो जी, बहुत अच्छी फ्लाई के बाद अब हम लोग आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। प्लेन हो रहा है लैंड, जो उसकी चिन है वो नीचे की तरफ जा रही है, टेल जो है ऊपर की तरफ है, इसलिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है। और जो बिल्डिंग है ना एक प्राइवेट प्लेन से कुछ इस टाइप की दिखती है, मतलब बहुत बड़ा विंडो होता है आपके पास में देखने के लिए, क्योंकि जब हम कमर्शियल प्लेन के अंदर उड़ते हैं तो उसकी विंडो छोटी और दूर होती है, इसकी विंडो बिल्कुल पास ही है। तो अब ना ये जो प्लेन की सर्विस देते हैं उसका नाम है विंग्स एंड स्काई एविएशन, वो जो कंपनी है काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रही है, जैसे कि हमने आज इनसे ली। तो मेरी बात हुई थी इनके ऑनर से, और डिटेल के लिए चलते हैं उन्हीं के पास। सो शी इज़ द ऑनर ऑफ ये जो सब कुछ है प्लेन्स वगैरह चॉपर्स वगैरह, तो ये कैसे चलती हैं सर्विसेज, मतलब मैं जैसे अभी लिया रेंट पे, तो मैं और कैसे ले सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानकारी चाहिए होगी। सी हमारे पास ना अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं, समबडी वॉन्ट्स इट फॉर लेजर, पीपल हु हैव मनी, हु वॉन्ट्स टू स्पेंड मनी एंड सेव टाइम। उनका क्या होता है कि उन्होंने घूमने जाना है कहीं, और बट टाइम एंड ट्रैवल की प्रॉब्लम है, लाइक बाय रोड इट टेक्स लॉन्ग। इनको रेंट पे लेने के लिए कोई ना कोई इवेंट होना जरूरी है, बंदा कभी भी कैसे भी ले सकता है, अगर सिंगल उड़ना है किसी को तो they can fly, they if they have spending capacity, if they want to spend money, they can spend it and they can fly. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने थे कि हम एक प्राइवेट उसमें उड़ेंगे या चॉपर लेंगे, तो आज की डेट में पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है, और चीपेस्ट फ्लाइट जैसे किसी को प्लेन में बैठना है थोड़ी देर के लिए उड़ना है तो कितना हो सकता है ये? सी उसको हम लोग बोलते हैं जॉय राइड्स, ओके, ठीक है, जो वो प्लेन में बैठ के थोड़ी देर उठना है वो होती हैं जॉय राइड्स। वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, बट देर आर प्लेसेस, जैसे हमारा कुफरी में हेलीपैड है, वहाँ से हम समर्स में जॉय राइड स्टार्ट करते हैं, पीपल हु आर कमिंग टू शिमला और मे बी कुफरी, तो उनका वो ड्रीम है ना जो वो प्राइवेट चॉपर में बैठ के उड़ना है या ये वाला, तो वो उनका ना जॉय राइड्स में हो जाता है, दे कैन ईजिली यू नो
फुलफिल देयर ड्रीम बाय टेकिंग अ जॉय राइड. बट जॉय राइड्स सिटीज में नहीं होती हैं. यू विल ओनली गेट दैट एट टूरिस्ट प्लेसेस लाइक कुफरी, मनाली. यू गेट जॉय राइड्स एंड देन अगर कोई स्पेशल इवेंट गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे उन्होंने जॉय राइड्स रखी हैं. दोज आर दी प्लेसेस जहाँ पे आप थोड़ा अमाउंट पे करके अपना ये वाला ड्रीम कि हमें एक चॉपर में उड़ना है वाला पूरा कर सकते हैं. अमाउंट कितना होता होगा मिनिमम? For the joyrides, it's the starting is like minimum 6-7,000 per person. Per person. मतलब 10,000 ही हो तो आप एक अपना एक फुलफिल कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया. बिल्कुल. तो हमने क्या किया था कि मैम की कंपनी से कांटेक्ट किया. मैम कंपनी नेम एंड कहाँ से कांटेक्ट होता है वो बता दीजिए. कंपनी का नाम हमारा है विंग्स एंड स्काई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड. माय फोन नंबर इज 8347550515. सो यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वॉट एवर क्वेरीज यू हैव यू कैन डिस्कस विद अस एंड वी कैन गिव यू द सॉल्यूशन. ये स्टार्ट कैसे हुआ और इस बिजनेस में आप कब से हो? See, we have a team of like, you know, 7 to 8 people and all of them are like very passionate about the aircrafts. So I'm like one of them. I always wanted to fly and ऐसी शुरुआत होती है हर एक बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो पैशन. Though I'm a qualified chef, okay. But since my passion was like flying, so I joined this business. तो फिर आपके एयरक्राफ्ट में तो अच्छा अच्छा खाना मिलता होगा. हाँ जी बिल्कुल. तो गाइस यही था एक छोटा सा प्राइवेट जेट कैसे लिया जा सकता है. कहीं भी बैठे हुए आप सिर्फ ऑनलाइन बुक करवा सकते हो. हमने भी बुक कराया, हमारा एक्सपीरियंस तो बेटर है. बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट. बहुत जल्दी नए और वीडियोज के साथ मिलते हैं. हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो. जहाँ भी देखते हो फॉलो किया करो. कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग. थैंक यू इंडियन. बाय बाय.